हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र जारी है। पहले दिन से ही विधानसभा में हंगामों का दौर भी जारी रहा। इस बार राज्य में आई त्रासदी पर सरकार पहले दिन ही सरकारी संकल्प प्रस्ताव को लेकर आई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने पहले दिन से ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। तीसरे दिन इस बिल को ध्वनिमत से पास किया गया। विपक्ष ने वोटिंग के जरिए प्रस्ताव के पारण पर चुप रहकर खामोश विरोध किया, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश बीजेपी को जन विरोधी बताया। अभी तक हमको कोई भी आपदा स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है और आपदा से संबंधित कोई भी राहत हमें नहीं मिली। ये जो हमें किश्त मिली है, चाहे वो जुलाई की किश्त है चाहे वो दिसंबर की किश्त है, वो राज्य के बजट का एक अंश सभी राज्यों को मिलता है। जो राज्य के टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, उसके बाद सारे हिंदुस्तान के राज्य उसकी जुलाई और दिसंबर में आपदा से संबंधित किश्तें आती है, वो मिला है। एनडीआरएफ की एडवांस की 200 करोड़ रुपए की किश्त मिली है और जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है वो केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है। हमने ये भी नहीं कहा कि रिजेक्ट किया, केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सभी विधायक जो चुनकर आए उनसे हमने मांग की कि आप इसे जो हमारा संकल्प है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का जो हम संकल्प लाए उसमें समर्थन दीजिए और 12,000 करोड़ रुपए की जो स्पेशल रिलीफ पैकेज की हम बात कर रहे हैं उसमें समर्थन दीजिए। एक बार नहीं, मैंने दो बार उठकर अनुरोध किया, प्रार्थना विनम्र प्रार्थना की कि आप भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये हिमाचल के लोगों पर आई हुई है लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकते आए और आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। जीवन काल की सबसे बड़ी त्रासदी और तबाही का मंजर इन 50 वर्षों में जो आया है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया, उसके समर्थन में के लिए प्रस्ताव में कोई वोटिंग नहीं की और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक आजाद उम्मीदवारों ने उसके पक्ष में वोटिंग की और जो प्रस्ताव है उस सर्वसम्मति के द्वारा वोटिंग के माध्यम से पास हुआ। अब जनता से हम ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ये पूछना चाहते हैं, आप चुनकर क्यों आते हैं? अगर आप अपने प्रदेश की मांगों और प्रदेश के लोगों का हितों का ध्यान नहीं रखते तो चुनकर क्यों आते हैं? आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने और कुर्सी बचाने के लिए आते हैं? हमारा मकसद कुर्सी बचाने का नहीं, हमारा मकसद हिमाचल के लोगों की सेवा करने का है। हमें केंद्र सरकार से उम्मीद भी है, हमने इसे राष्ट्रीय आपदा प्रस्ताव को केंद्र सरकार को हम भेजेंगे और स्पेशल रिलीफ पैकेज 12,000 करोड़ का जो हमने मांगा उसके लिए भी हम उनसे अनुरोध करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आज इस विधानसभा में किया है, हिमाचल के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सभी कांग्रेस विधायकों और आजाद विधायकों के इस पक्ष में ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास करने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें मूल्यांकन करने के बाद प्रदेश सरकार उम्मीद लगा रही है कि केंद्र से हिमाचल में आई आपदा को लेकर स्पेशल पैकेज मिलेगा। सूर्या समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।